पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र का संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ अनावरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाजपेयी को बताया लोकतंत्र के सिद्धांतों का महानायक। जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर हो सकती है ईडी की पूछताछ। जयपुर की प्रवर्तन निदेशालय में रॉबर्ट वाड्रा और मोरेन वाड्रा कल हुए थे पेश। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी। सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, दौसा और टोंक में रेल एवं सड़क यातायात हुआ प्रभावित। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 26,000 पदों की नियुक्ति के आदेश किए जारी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 2 दिन के अंदर शिक्षकों को दे दी जाएगी नियुक्ति। और जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में जयपुर महाखेल 2019 का दौर। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर पंचायत स्तर तक हो रहे हैं रोमांचक खेल। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतीश गोयल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के महानायकों में से एक बताते हुए कहा कि वाजपेयी ने सत्ता हासिल करने और बचाने के लिए लोकतंत्र के सिद्धांतों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया। इस संक्षिप्त समारोह को उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सहित संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। And speaking of the occasion, President Kovind said that he was a man of multiple talents and was dear to all. आप सब जानते हैं कि जितनी प्रखर उनकी बुद्धि थी उतनी ही व्यापक थी उनकी संवेदनाएं। उनमें जितनी गंभीरता थी उतनी ही विनोद प्रियता भी। उनमें हंसते हंसते गहरी बातें कह जाने की विलक्षण क्षमता थी। वे जितने उदार और क्षमाशील थे उतनी ही स्पष्टता और दृढ़ता के साथ राष्ट्रहित में निर्णय लिया करते थे। उन्होंने कहा था कि चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। उनकी ये पंक्ति सार्थक हुई और वे स्वयं भी सूर्य की तरह भारतीय राजनीति के क्षितिज पर चमकते रहे। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अटल जी अब इस नए रूप में हमें आशीर्वाद भी देते रहेंगे और हमें प्रेरणा भी देते रहेंगे। जय पराजय आए हैं लेकिन आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना और कभी न कभी उसका सही परिणाम मिलता है, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। जितनी ताकत उनके भाषण में थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। ये कौन सी उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी? शायद इस युग में मौन की कम्युनिकेशन स्किल, कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है उस ताकत को समर्पित थे और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है। लोकतंत्र में स्पर्धा होती है, प्रतिपक्ष होता है, आदर और सम्मान उसी भाव के साथ बनाए रखना
ये हमारी नई पीढ़ी के लिए सबको सीखने जैसा है, हम सबने सीखने जैसा है कि हम किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे, ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदेश के लिए कई सौगातों का ऐलान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पानीपत युद्ध संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानीपत का युद्ध एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अद्भुत उदाहरण प्रतीत होता है। इस संग्रहालय में पानीपत युद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं एवं दस्तावेज भी देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत संग्रहालय की नींव रखी। यह संग्रहालय पानीपत की विभिन्न लड़ाइयों के नायकों को सम्मानित करेगा। ये भारत के अनसुने नायकों को सम्मानित करने की केंद्र सरकार की पहल के अनुरूप है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दिया है। ये लड़ाई हमें देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सबक देती है, और मैं मनोहरलाल जी को इस बात के लिए भी अभिनंदन देता हूँ। पानीपत की लड़ाई का जो रूप उन्होंने कल्पना की है, वो एक प्रकार से सदियों पहले एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे देश ने कंधे से कंधा मिलाकर के कैसी लड़ाई लड़ी थी, इसका वो जीता जागता सबूत है। पानीपत के इतिहास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ही परिवार की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। कोई भी मानव जात इतिहास की जड़ों से कट करके इतिहास कभी बना नहीं सकती है। इतिहास वो ही बना सकते हैं जो इतिहास की जड़ों से रसकस लेकर के फलते फूलते हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जमीन सौदा मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ की गई। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा से आज भी पूछताछ की जा सकती है। रॉबर्ट वाड्रा की मां मोरीन वाड्रा से भी निदेशालय के अधिकारियों ने पूछताछ की। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वाड्रा से नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ की थी। उधर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन जारी है। उधर सरकार भी आंदोलन खत्म करने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी के तहत कल सीएमओ में गुर्जर आरक्षण को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसके बाद पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधानसभा में बड़े निर्णय का संकेत दिया। जितेंद्र सिंह ने विधानसभा में गुर्जर आरक्षण को लेकर नया विधेयक लाए जाने की संभावना भी जताई। इससे पहले कल दिन भर प्रदेश के कई हिस्सों में गुर्जर समाज के आंदोलनकारियों ने सड़क यातायात को प्रभावित किया, जिससे रोडवेज बसों के पहिए थमे रहने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाईमाधोपुर के मलारना में भी गुर्जर आंदोलनकारी ट्रैक पर धरना दिए हुए हैं। राज्य में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते रेल और बस द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेल एवं रोडवेज प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। बसों और रेलों का कुछ स्थानों पर मार्ग परिवर्तित कर संचालन किया जा रहा है, जबकि सुरक्षा के चलते प्रभावित इलाकों में इनका संचालन रोक दिया गया है। आरक्षण आंदोलन से प्रभावित जो एरिया है, उनके मुख्य प्रबंधकों को अपने निर्देश दिए हैं कि आम यात्रियों किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से संपर्क करके जिन जिन स्थानों पर निर्बाध रूप से वाहनों का संचालन किया जा सकता है, उन स्थानों पर वाहनों का संचालन करें, यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करें। लेकिन जहाँ पर ये लग रहा है कि रोडवेज की गाड़ियों को नुकसान हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसके लिए उनको निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे स्थानों पर गाड़ियों का वाहन संचालन नहीं करें। बाकी हमने सभी मुख्य प्रबंधकगण को, पूरे राजस्थान के मुख्य प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, और अगर मान लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत भी आती है तो स्थानीय पुलिस से संपर्क करके और कॉन्स्टेबल वगैरह को साथ भिजवा सकते हैं। रेलवे ट्रैक तो जाम था, अभी कल से इन्होंने जो है सड़क मार्ग भी जाम कर दिया है, और वहाँ भी जो है जाम लगने से हमारी जो बसें हैं वो संचालन नहीं हो पा रहा है,
फिर भी हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि जहाँ पर निर्बाध वाहन संचालन हो पा रहा है वहाँ पर यात्रियों को हम सुविधाएं पूरी देंगे, और अगर अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता होगी तो वो भी मुफ्त करवाएंगे। जिस तरीके से इस आरक्षण की वजह से मतलब प्रॉब्लम चल रही है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम लोग ट्रैवल पे आए हुए हैं और अभी हम लोग को आगरा जाना है तो बाई बस हम लोग को कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, और ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से मुझे शाम को जाना था बट मुझे अभी जाना पड़ रहा है। सर मुझे तो लखनऊ जाना था, अभी तो कोई साधन मिल नहीं रहा है, शायद आंदोलन के चक्कर में सब रूट बंद करा हुआ है इन्होंने, इसलिए भी कोई रास्ता नहीं है। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब रूट खुलेगा, कब मैं जाऊँ। हाँ, मेरे को लखनऊ जाना था बट सारे रूट डाइवर्ट कर दिए गए, यहाँ बस स्टॉप भी आए हैं, बस स्टॉप में भी सारी बसेस भी नहीं चल रही है, ट्रेन भी सारी पोस्टपोन हो चुकी है, बट हम कैसे जाएंगे अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, हम कैसे जाएंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान जयपुर में शुरू हुआ। पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और जयपुर शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की। शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता के शास्त्री नगर स्थित निवास पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एबीवीपी की ओर से जयपुर में भारत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के तहत युवाओं को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस यात्रा के समापन पर युवाओं से आह्वान किया गया कि वे मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम यह भी प्रतिज्ञा लेते हैं को शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस यात्राओं का आयोजन किया गया। युवाओं के द्वारा ये जो तीन यात्राएं निकली है, ये तीन यात्राएं और पूरे इस जयपुर और भरतपुर संभाग के 125 से अधिक स्थानों पर 30,000 से अधिक युवाओं से संवाद करके और यात्राओं का आज यहाँ समापन हुआ है। यात्रा के माध्यम से और एक अपेक्षा रखी गई है कि इस बार जो युवा 18 वर्ष का हुआ है, यानी 2000 के बाद में जिसका जन्म हुआ है, उसको वोट देने का पहला अधिकार है। युवाओं के अंदर जन जागृति का अभियान एक निरंतर चलाए, ये एक अपेक्षा लेकर के ये यात्राएं आयोजित की गई थी। राज्य सरकार ने 26,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से लेवल एक की इन नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जयपुर के शिक्षा संकुल में कल हुई प्रेस वार्ता में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी कि जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 2 दिन के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड के 26,000 जो भर्ती हम लोग करने जा रहे हैं, उसका राजस्थान उच्च न्यायालय में जो मामला विचाराधीन था उसका निर्णय आ चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार नौकरी मिले, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। परिषद और जिला कलेक्टरों को आज ही ये कहा गया है कि सरकार ये चाहती है कि 2 दिन के अंदर अंदर इन सब विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनको नियुक्ति मिले। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस सहित विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान किया है। आरएएस और आरटीएस मुख्य परीक्षा 2018 आगामी 25 एवं 26 जून को आयोजित की जाएगी। इसी तरह सीनियर टीचर परीक्षा 2018 3 से 5 जुलाई, लेक्चरर स्कूल परीक्षा 15 से 19 जुलाई और 22 से 25 जुलाई के बीच आयोजित होगी। आयोग के मुताबिक फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट 30 जुलाई को, संस्कृत विभाग की स्कूल लेक्चरर परीक्षा 6 से 9 अगस्त को आयोजित की जाएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में 13 से 16 फरवरी तक आयोजित होने वाली सभी विषयों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। 18 फरवरी से आयोजित होने वाली परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। उधर रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करते हुए रेल प्रशासन ने उदयपुर में जयपुर कामाख्या कवि गुरु एक्सप्रेस का उदयपुर तक विस्तार किया है। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने इस रेल सेवा का उद्घाटन और फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस ट्रेन के उदयपुर तक विस्तार के बाद राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, अजमेर और आसपास के यात्रियों को नजदीकी स्टेशनों से सीधी ट्रेन उपलब्ध होगी। उदयपुर सिटी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का भी लोकार्पण किया गया।
हर एक मतदार, चाहे पाटलिपुत्र हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे हमारी मैसूर हो, हमारी कई ट्रेनें चली और आज उसी कला में कामाख्या देवी सीधे गुवाहाटी जाने के लिए एक नई ट्रेन हमें मिली है। मैं इसके लिए मान्य मंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। फुटओवर ब्रिज किसी स्टेशन पर जरूरी है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म होने के लिए। यहाँ पर अभी तक एक ही फुटओवर था, अब स्टेशन के दूसरी तरफ भी ओवर ब्रिज बन जाने यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर चिकित्सा निदेशालय ने लेबर रूम की व्यवस्थाओं, चिकित्सकों, स्टाफ के व्यवहार सहित विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक NHM डॉ. समित शर्मा ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेबर रूम प्रोटोकॉल के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश दिए। मिशन निदेशक ने मरीजों से स्नेहपूर्ण और मित्रवत व्यवहार करने, लेबर रूम में प्रसव सखी की उपस्थिति सुनिश्चित करने, लेबर रूम में स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रोटोकॉल को फॉलो करने, लेबर रूम में फीडबैक रजिस्टर मेंटेन करने, रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण करने और उपहार या नकद राशि के लेन देन पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश जारी किए हैं। सीकर के जिला स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया। भर्ती रैली में टोंक जिले के 4,000 से अधिक युवाओं ने पंजीयन करवाया था। इसमें से 2,500 से अधिक युवाओं ने दौड़ लगाई। दौड़ में 254 युवाओं को फिट करार दिया गया। सेना भर्ती निदेशक कर्नल गगनदीप सिंह ने बताया कि रैली में कई युवक शारीरिक रूप से दक्ष होते हैं लेकिन जल्दबाजी में अपने कागजात लाना भूल जाते हैं, ऐसे में उन्हें भर्ती से बाहर रखना पड़ता है। सेना भर्ती रैली की DG ब्रिगेडियर RS राणा ने भी निरीक्षण किया। सीकर और टोंक डिस्ट्रिक्ट का रिक्रूटमेंट रैली हुआ है। ये 6 से 13 तारीख तक का प्रोग्राम है जिसके अंदर आज टोंक डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट डे है और कल लास्ट डे है टोंक का। तो आज जो अभ्यर्थी आए थे 4,100 रजिस्ट्रेशन था और 2,600 के आसपास फुटफॉल हुआ है, जिसमें से तकरीबन 254 कैंडिडेट्स रन में पास हुए हैं। और इस दौरान कई चीज़ें जो उभर के सामने आई हैं वो हैं कि यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो फिज़िकली बहुत फिट हैं और बहुत अच्छी बात हमें लगता है कि जब इतने अच्छे और इतने जज्बे के साथ कैंडिडेट्स इस रैली में भाग लेते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बसंत पंचमी और निराला जयंती के उपलक्ष्य में स्वरचित हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी कविताओं का वाचन किया। हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉ. श्रुति शर्मा ने बताया कि कविता पाठ के साथ मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विभाग के अन्य शिक्षकगण सहित विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। बसंत उत्सव इसलिए हम मना रहे हैं क्योंकि बसंत पंचमी पर निराला जी की जयंती आती है और हिंदी विभाग में हम निराला जी की जयंती मनाते हैं। तो ये चूँकि चला आ रहा है तो इसलिए हमने ये जयंती मनाई है। और इसके अलावा वो हमारे जो बच्चे पिछले सेमेस्टर में जो अच्छे नंबर लेकर आए हैं पहले और दूसरे स्थान पर, उनको भी पुरस्कृत करने। कोटा के शिवपुरा इलाके में भारतीय सेना और आपदा प्रबंधन से जुड़े 18 संगठनों ने भूकंप के बाद आई आपदा से निपटने का राहत अभ्यास किया। सप्तशक्ति कमान के एक आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चेरिस मैथसन भी यहां उपस्थित रहे। उनके साथ ही कोटा जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त सहित पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अभ्यास राहत में सुनिश्चित किया गया कि आपदा के समय किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे किस प्रकार आमजन को शीघ्र राहत दिलाई जा सकती है। सब एक्सरसाइज शुरू किया गया है, ये नाइन्थ है, नवा एक्सरसाइज है और इसमें भूकंप उसके साथ साथ हाइब्रिड डिजास्टर फ्लडिंग चंबल नदी का ये दर्शाया गया है। कल इसी का कार्रवाई हमने जयपुर में किया है। जयपुर का एक मेजर एक मॉल एरिया भवानी निकेतन एरिया में ये किया गया। उससे पहले एक सेमिनार था और एक टेबल टॉप एक्सरसाइज जिसमें प्रैक्टिकली कैसे करना है इसके बारे में बातचीत किया। जयपुर के एक निजी महाविद्यालय में लेखिका उषा जोशी की पुस्तक अमृतम का विमोचन किया गया। इस अवसर पर लेखिका ने बताया कि पुस्तक में वर्तमान दौर में महिलाओं की सामाजिक स्थितियों को काव्य रूप में समाहित कर एक संदेश देने का प्रयास किया गया है।
सारे रिश्ते जो समाज में अपने आसपास फैले हुए हैं अमृत की एक एक बूंद जैसा लगते हैं। मेरे जीवन में ये उल्लास उमंग और रंग बिरंगा वातावरण फैला देता है। तो इन रंग बिरंगे अमृत की बूंदों को मैंने एक कलश में संजोने का प्रयास पर किया है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों और अनाथ बच्चों का दर्द, बूढ़ी माओं की आँखों का दर्द और इसी सब परिवेश को साझा करने की कोशिश की है। प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राजसमंद की एनआरआई बेटी ज्योति कोठारी विगत 16 वर्षों से अपने ट्रस्ट के जरिए भारत में समाज सेवा के कार्य में जुटी हुई है। ज्योति कोठारी के ट्रस्ट ने राजसमंद के राजकीय विद्यालय गार्डरिया वास धोइंदा को गोद लिया। सरकारी स्कूल को गोद लेकर कोठारी का ट्रस्ट गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधाएं मुहैया कराता है और 20 छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। हमारे विद्यालय में एक नवीन क्रांति की तरह इन्होंने कंप्यूटर सेट उपलब्ध करवाए हैं और शिक्षण को आधुनिक बनाते हुए इन्होंने एक प्रोजेक्टर दिया है, जिनसे जो बच्चे जिनके घर में बिजली भी नहीं है तो ये बच्चे कंप्यूटर सीख सके। रूरल राजसमंद एरिया में अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटा सके। सभी टीचर्स को तो ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चों की प्रतिभा को पहचानें और खूब ईमानदारी से अच्छा उन्हें पढ़ाएं, जिससे कि वो भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें। प्रदेश के सभी जिलों के 1125 विद्यालयों में सूर्य रथ सप्तमी और देवनारायण जयंती के अवसर पर 4.5 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विद्या भारती से जुड़े 550 विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्य कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर जयपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में कई रोमांचक खेलों का दौर चल रहा है। जयपुर महाखेल 2019 के इस आयोजन में ग्राम पंचायतों, वार्डों और नगर पालिका क्षेत्रों में 250 से ज्यादा स्थानों पर दौड़ और रस्साकशी जैसे मुकाबले खेले जा रहे हैं। इन खेलों के तहत 16 से 18 फरवरी तक विधानसभा स्तर के मुकाबले होंगे और 24 फरवरी को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। सीकर के विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 12 दिन में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी करण उर्फ कालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में 31 जनवरी को 4 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया था। गौरतलब है कि फैसला सुनाने के लिए न्यायालय भी देर रात तक खुला रहा। 4-5 रोज की सुनवाई में ही जिला एवं विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम श्री अनिल कुमार जी को सीकर ने अभियुक्त को धारा 376 AB व धारा 376 J के अंदर जब तक वो जीवित रहेगा अंतिम सांस तक जेल में रहेगा ये सजा सुनाई है एवं साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर किया है। इतना जल्दी फैसला कैसे हो गया? क्या ये समाज में एक संदेश था कि छोटी बच्ची मासूम बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म कोई दोबारा नहीं करे, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई की गई है। आइए हम नजर डालते हैं जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियों पर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने बीकानेर जमीन घोटाले मामले में ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन संबंधी समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है कि बीकानेर जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। वाड्रा का किसी भी घोटाले में सीधी भागीदारी से इनकार, ईडी जवानों जवाबों से संतुष्ट नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है कि प्रदेश के 26,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश हुए जारी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि चयनित शिक्षक पंचायत समिति से नियुक्ति पत्र ले सकते हैं, उन्हें 3 दिन में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। डेली न्यूज ने खबर दी है कि गुर्जर आरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव या बिल ला सकती है, साथ ही महिलाओं को 33% एवं आर्थिक पिछड़ों को भी आरक्षण देने की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रदूत ने खबर प्रकाशित की है कि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता का कहना है
कि कृषि ऋण माफी 2019 के पात्र किसानों द्वारा ई मित्र केंद्रों पर जाकर अपने आधार नंबर से आवेदन एवं अधिप्रमाणन करने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजाब केसरी लिखता है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगी। भाजपा का फोकस प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों एवं पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं पर होगा। मार्च के अंत तक सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में शक्ति केंद्र सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। समाचार जगत की खबर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आरएएस और आरटीएस मेंस परीक्षा 2018 25 और 26 जून को होगी। इसी तरीके से सीनियर टीचर, लेक्चरर स्कूल एग्जाम, फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस मेंस आदि परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। दैनिक नवज्योति ने पोकरण में दिखेगी वायुसेना की शक्ति शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है कि वायुसेना इस वर्ष वायु शक्ति 2019 में राजस्थान के पोकरण में अपनी मारक क्षमता का नमूना पेश करेगी। उप प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला ने बताया कि हर 3 साल में एक बार किए जाने वाले इस अभ्यास में वायुसेना पोकरण रेंज में हवा से जमीन पर और हवा से हवा में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि भारतीय वायुसेना जल्द ही रूस से MiG-29 विमानों को खरीद सकती है। वायुसेना ने 2008 में 62 MiG-29 विमानों की डील का सौदा रूस से 3,842 करोड़ रुपए में किया था, जो अपनी तय सीमा से 5 साल पीछे चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि प्रदेश सरकार वैदिक संस्कृति को और अच्छे तरीके से अपनाने के लिए जन्म के साथ ही शास्त्रोक्त विधि से जन्म कुंडली भी माता पिता को प्रदान करने की योजना बना रही है, जिससे भविष्य में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर उनके जीवन को सुगम बनाया जा सके। डीएनए ने खबर प्रकाशित की है कि कांग्रेस नेताओं के बच्चे आगामी लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की अग्रिम कतार में हैं। मुख्यमंत्री के बेटे और शांति धारीवाल की पुत्रवधू समेत कई अन्य नेताओं के नजदीकी रिश्तेदार भी इस मुहिम में शामिल हैं। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ सुर्खियां। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र का संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ अनावरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाजपेयी को बताया लोकतंत्र के सिद्धांतों का महानायक। जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर हो सकती है ईडी की पूछताछ। जयपुर के प्रवर्तन निदेशालय में रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा कल हुए थे पेश। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन जारी। सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, दौसा और टोंक में रेल और सड़क यातायात प्रभावित। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 26,000 पदों की नियुक्ति के आदेश किए जारी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा 2 दिन के अंदर शिक्षकों को दे दी जाएगी नियुक्ति। और जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में जयपुर महाखेल 2019 का दौर। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की पहल पर पंचायत स्तर तक हो रहे हैं रोमांचक खेल। दूरदर्शन समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।